हवा का रुख बदलना चाहते हैं, हवा का रुख बदलना चाहते हैं, दिए हैं और जलना चाहते हैं। मुसव्विर, मुसव्विर मतलब चित्रकार, मुसव्विर कैनवस बदलो तुम्हारा, अब हम मंजर बदलना चाहते हैं। तो हमारे बीच में एक शायरा बैठी है जिन्होंने हिंदुस्तान में शायरी का मंजर सचमुच में बदल दिया है। इनका नाम, अभी हम कुछ दिन पहले ब्रजेश भैया एक प्रोग्राम में थे, एक कार्यक्रम में थे हम, सर्वेश अस्थाना जी की उपस्थिति थी, यश मालवीय जी की उपस्थिति थी भी, और आपका काव्य पाठ था वहाँ पे, और बड़े मंच पे खड़े होकर लोगों ने बोला कि हमें हिंदुस्तान में, मतलब पाकिस्तान में एक शायरा जो चलती हैं परवीन शाकिर जो है, उन परवीन शाकिर से 10 गुना बड़ा नाम हमें मिल गया है हिंदुस्तान में, और हमारी उपलब्धि है। ये बनारस के लिए गर्व की बात है कि भावना श्रीवास्तव हमारे बीच में है। आइए भावना श्रीवास्तव जी, आप मंच पे। क्या आप सभी को सादर प्रणाम, सभी को गणतंत्र दिवस की और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी से अनुमति, स्वागत है। सीधे सीधे एक मतला और कुछ शेर से बात आगे रखती हूँ। तुम्हारे बिन हमारा आशियां कैसा लगेगा, तुम्हारे बिन हमारा आशियां कैसा लगेगा, बिना पानी के कोई भी कुआं कैसा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिन हमारा आशियां कैसा लगेगा, बिना पानी के कोई भी कुआं कैसा लगेगा, अगर वो छोड़ दे सारे घुमा कैसा लगेगा, अगर वो छोड़ दे सारे घुमा कैसा लगेगा, जमी के साथ चलता आसमां कैसा लगेगा। क्या बात है, क्या शेर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जमी के साथ चलता आसमां कैसा लगेगा, जमी के साथ चलता आसमां कैसा लगेगा। और एक मंजर देखें कि मुकम्मल करने में जिसको तुम्हारा खून लगा हो, मुकम्मल करने में जिसको तुम्हारा खून लगा हो, उसी तस्वीर से उठता धुआं कैसा लगेगा। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुकम्मल करने में जिसको तुम्हारा खून लगा हो, उसी तस्वीर से उठता धुआं कैसा लगेगा। और एक मिसरा है कि ये गालिब ने तो चाहा था मगर अपनी बताओ। गालिब का एक शेर है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई न हो और हम जबा कोई न हो, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासबा कोई न हो, कोई न हो। और कहते हैं कि पड़िए घर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नहा ख्वा कोई न हो, कोई न हो, रोने वाला भी न हो। तो एक एक शेर कहती हूँ कि ये गालिब ने तो चाहा था मगर अपनी बताओ, ये गालिब ने तो चाहा था मगर अपनी बताओ, जहाँ कोई न हो तुमको वहाँ कैसा लगेगा। वाह, बहुत शुक्रिया, क्या शेर है, एक बार फिर से। ये गालिब ने तो चाहा था मगर अपनी बताओ, जहाँ कोई न हो तुमको वहाँ कैसा लगेगा। क्या बात, एक गजल का मतलब और कुछ शेर और देखें। क्या बताऊँ, क्या बताऊँ किस तरह दिल झूम उठा ख्वाब में, क्या बताऊँ किस तरह दिल झूम उठा ख्वाब में, आपका क्या नाम है जब उसने पूछा ख्वाब में। वाह, क्या बताऊँ किस तरह दिल झूम उठा ख्वाब में, आपका क्या नाम है जब उसने पूछा ख्वाब में, ख्वाब जैसा था कभी जिस शख्स से मिलना वही, ख्वाब जैसा था कभी जिस शख्स से मिलना वही, जाने किस किस से मुझे मिलवा रहा था ख्वाब में। वाह, बहुत अच्छे, क्या शेर है, क्या शेर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जाने किस किस से, जाने किस किस से मुझे मिलवा रहा था ख्वाब में। और इसी गजल से एक शेर और देखें कि नींद टूटी तो मेरी आंखें थी नम और जी उदास, नींद टूटी तो मेरी आंखें थी नम और जी उदास, कोई मुझसे लग के ऐसे रो रहा था ख्वाब में। वाह, कोई मुझसे लग के ऐसे रो रहा था ख्वाब में, क्या बेहतरीन, क्या बढ़िया, बहुत अच्छे शेर है। वाह,
बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। नींद टूटी तो मेरी आंखें थी नम और जी उदास, कोई मुझसे लग के ऐसे रो रहा था ख्वाब में। और एक शेर और इसी गजल से देख लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंश, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक शेर और देखें कि मुझ पे यूं तारी है रिश्ते की हकीकत का असर, मुझ पे यूं तारी है रिश्ते की हकीकत का असर, साथ है वो ख्वाब में ये तक पता था ख्वाब में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। यूं तारी है रिश्ते की हकीकत का असर, साथ है वो ख्वाब में ये तक पता था ख्वाब में। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशआर और देखें। मिलना हमारा कम हुआ फिर बात कम हुई, बहुत अच्छा मिसरा है। मिलना हमारा कम हुआ फिर बात कम हुई, किश्तों में मुझ गरीब की खैरात कम हुई। वाह वाह। मिलना हमारा कम हुआ फिर बात कम हुई, किश्तों में मुझ गरीब की खैरात कम हुई, यूं ही ना हम उदास हुए एक रोज में, यूं ही ना हम उदास हुए एक रोज में, आमद तुम्हारे ख्वाब की हर रात कम हुई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आमद तुम्हारे ख्वाब की हर रात कम हुई, क्या बात है, क्या शेर है। आमद तुम्हारे ख्वाब की हर रात कम हुई। और एक शेर और इसी गजल से देखें बतौर खास। जिस दिन से खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, जिस दिन से खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, उस दिन से मेरी खुद से मुलाकात कम हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस दिन से खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, उस दिन से मेरी खुद से मुलाकात कम हुई। और एक गज़ल के कुछ अशआर और देख लें। बताऊँ, मुझे अफसोस बस इस बात का था, मुझे अफसोस बस इस बात का था, जिसे होना था शर्मिंदा खफा था। अरे वाह, क्या क्या जाविया लाए हैं कि एकदम नई बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे अफसोस बस इस बात का था, जिसे होना था शर्मिंदा खफा था, ये अंदेशा तो मुझको हो चुका था, ये अंदेशा तो मुझको हो चुका था, बिछड़ना ही मगर क्या रास्ता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। ये अंदेशा तो मुझको हो चुका था, बिछड़ना ही मगर क्या रास्ता था। और एक शेर और इसी गजल से बतौर खास। बहुत खामोश था जाने से पहले, मिसरा है कि बहुत खामोश था जाने से पहले, न जाने क्या बताना चाहता था। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। एक इम्कान कहीं दिल ने बचा रखा है, एक इम्कान, इम्कान माने पॉसिबिलिटी, एक इम्कान कहीं दिल ने बचा रखा है, इस तरह हिज्र को आसान बना रखा है। बहुत बढ़िया। इस तरह हिज्र को आसान बना रखा है, हम तो कहते ही वही हैं जो उसे सुनना है। हम तो कहते ही वही हैं जो उसे सुनना है, उसने माहौल ही कुछ ऐसा बना रखा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। उसने माहौल ही कुछ ऐसा बना रखा है, और आजकल की धूप पे धूप आती भी अगर है तो डरी सहमी सी, धूप आती भी अगर है तो डरी सहमी सी, रुत का चेहरा किसी बिरहन सा हुआ रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। रुत का चेहरा किसी बिरहन सा हुआ रखा है। और आप लोगों को नज़र करती हूँ ये शेर अपने जूनियर्स को, BHU के मेरे भाई आए हुए हैं सब, तो सुने कि गीत गुलजार के यादें तेरी आंसू मेरे, गीत गुलजार के यादें तेरी आंसू मेरे, मैंने सब हिज्र का सामान जुटा रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलजार के यादें तेरी आंसू मेरे, मैंने सब हिज्र का सामान जुटा रखा है, एक ताल्लुक सा बना रहता है खुद से अपना। शायरी क्यों करते हैं। एक ताल्लुक सा बना रहता है खुद से अपना, वरना इस काफिया पैमाई में क्या रखा है। क्या बात है, क्या बात?